अगर आप उम्रे के लिए सऊदीया जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन से एयरपोर्ट से एंट्री करें और कौन सा एयरपोर्ट आपके लिए सस्ता होगा टिकट वाइज, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ज़ुबैर जाज़लक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो आज है मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत से टूरिस्ट जानना भी चाहते हैं, वो क्या है, वो है एयरपोर्ट्स के मुतल्लिक। जो लोग सऊदी अरब जाते हैं उम्रा के लिए, उन लोगों के लिए एयरपोर्ट्स के मुतल्लिक मेरे पास है जी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अमूमन होता क्या है, जब हम सऊदी अरब जाते हैं उम्रा के लिए, अमूमन दो टाइप के एंट्री हम कराते हैं अपने वीज़े की। एक होती है ई वीज़ा जो आजकल बहुत चल रहा है, एक होता है उम्रा वीज़ा, ठीक है, वो ऑनलाइन भी होता है और स्टैम्प भी लग जाता है, ठीक है, पासपोर्ट पे। तो इन दोनों से हम एंट्री करते हैं, इन दोनों की बेस पे हम एंट्री करते हैं। फिर हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप आता है कि किस पोर्ट ऑफ एंट्री में हमने एंट्री करनी है, जद्दा करनी है, मदीना करनी है, ठीक है। ये तो अमूमन उम्रा के लिए लोग करते हैं। ई वीज़ा के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा करें। तो जी वक्त ज़ाय किए बगैर हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं और आपसे मैं ये शेयर करता हूँ कि किन किन एयरपोर्ट से उम्रा वीज़ा से और ई वीज़ा से किन किन एयरपोर्ट से आप ट्रैवल कर सकते हो। जी तो पहले सबसे स्टार्ट करते हैं, अगर आप उम्रा वीज़ा पे जाते हैं, आपका मेन मकसद है उम्रा करना, तो आप क्या करोगे, आपके पास दो पॉइंट हैं, या तो आप मक्का पहले जाते हो या आप जाते हो मदीना। तो अगर आप मक्का जाते हो तो आपके लिए सबसे ईजी जो पॉइंट ऑफ एंट्री है वो है जद्दा एयरपोर्ट, जिसकी जो डिफरेंस है वो अराउंड 89 किलोमीटर है और एक घंटे का सफ़र होता है, ठीक है। उसके अलावा जब आप मदीना जाते हो तो मदीना के अंदर आपके पास एयरपोर्ट ऑलरेडी मौजूद है, मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर का सफ़र है और 20 मिनट में ही वो तय भी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने लगा जो हमारे आम भाइयों के पास नहीं होती, वो क्या है, लोग अमूमन ये समझते हैं मदीना ही लैंड करेंगे, जद्दा ही लैंड करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप को जद्दा की फ़्लाइट नहीं मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप ताइफ़ की फ़्लाइट भी ले सकते हो, ठीक है। ताइफ इज़ वेरी नियर, वो भी तकरीबन 80-90 किलोमीटर के वक्फे पे है, वो भी एक घंटे की मुसाफत में हो जाता है, ठीक है। तो ताइफ जो है वो भी आप मक्का के लिए चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप मदीना में हो और अगर मदीना पहले जाना चाहते हो और वहाँ पर आपको फ़्लाइट नहीं मिल रही या एक्सपेंसिव हो गई फ़्लाइट, तो आप यांबू की फ़्लाइट ले सकते हो, वो मदीना के वेस्ट में आता है, ठीक है, तकरीबन 2-2.5 घंटे की मुसाफत है और 200 किलोमीटर प्लस उसका जो सफ़र है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए इजी साबित हो सकता है। तो ये तो थे चार एयरपोर्ट जो कि आप अगर स्पेशली उम्रा के लिए जाते हो। वैसे तो सऊदी हुकूमत ने एक नया रूल आया है कि तमाम एयरपोर्ट्स पे आप जा सकते हो उम्रा के लिए, लेकिन अमूमन जो आम लोग उम्रा के लिए जाते हैं वो ये हिजाज़ के एरिया में जाते हैं, हिजाज़ के एरिया जिसमें 5 सिटीज़ आ जाते हैं इम्पोर्टेंट, तबूक से ले कर मक्का तक, तबूक, यांबू, मदीना, जद्दा, मक्का, ताइफ वगैरह ये सिटीज आ जाते हैं। तो अमूमन उम्रा के लिए लोग इधर ही जाते हैं और इधर से वापस आ जाते हैं, ठीक। तो जी अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ई वीज़ा होल्डर जो हैं वो किन किन एयरपोर्ट से बआसानी अपनी डेस्टिनेशन मदीना या मक्का कैसे पहुँच सकते हैं और कौन सा एयरपोर्ट उनके लिए आसान रहेगा डिस्टेंस वाइज भी और टिकट प्राइस वाइज भी। जी तो अब मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगूँ जो ई वीज़ा होल्डर हैं उनके लिए तमाम एयरपोर्ट ओपन थे। वैसे तो उम्रा वीज़ा के लिए भी ओपन है, लेकिन उम्रा वीज़ा वाले स्पेशल उधर जाते हैं, ई वीज़ा वाले क्या करते हैं कि उनके मतलब और भी काम होते हैं, टूर के लिए भी चले गए साथ, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो जी मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद मदीना, ठीक है। मदीना के शुमाल में तबूक से स्टार्ट करते हैं। तबूक में एक एयरपोर्ट है जिसकी जो मुसाफत है 683 किलोमीटर है, ठीक है, तकरीबन, और वो 7 घंटे में कवर किया जाता है। उसके बाद नीचे आ जाए तो आपको एक और एयरपोर्ट मिलता है जो है अल उला एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है उसकी, वो भी मदीना से तकरीबन है 300-325 किलोमीटर और वो 2.5 से 3 घंटे में 3.5 घंटे में तकरीबन वो भी कवर हो जाता है, ठीक है, दो एयरपोर्ट हो गए, ठीक है। एक मदीना का अपना एयरपोर्ट है, 3 एयरपोर्ट हो गए। एक है यांबू एयरपोर्ट जो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया, जो कि मदीना के वेस्ट में वाक़ है, ठीक है, और वो भी तकरीबन 2.5
घंटे में कवर हो जाता है। उसकी मुसाफत भी तकरीबन है कोई 250 200 250 किलोमीटर, ठीक है, इसके अंदर अंदर ही आ जाती है। ठीक है, अभी हमारे पास चार एयरपोर्ट्स हो गए। मदीना के ईस्ट में, ईस्ट साइड में आपके पास एक हेल एयरपोर्ट आ जाता है, ठीक है, एक बुरैदा का एयरपोर्ट आ जाता है। हेल और बुरैदा का वक्फा जो है वो तकरीबन 500 किलोमीटर है, ठीक है। हेल ज़रा नज़दीक है, बुरैदा ज़रा दूर है। तो हमारे पास अब हो गए टोटल 6 एयरपोर्ट। उसके बाद हमारे पास है जी एक एयरपोर्ट जो कि दमाम का है, जो कि फार ईस्ट में है, और एक एयरपोर्ट है जी हमारे पास रियाद का। तो जो दमाम एयरपोर्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन है 1200 किलोमीटर का, और वो लग जाते हैं 11 से 12 घंटे, क्योंकि स्टे भी करना होता है आपको बीच में, 13 घंटे भी लग सकते हैं। तो जी रियाद का एयरपोर्ट है वो है जी तकरीबन 800 किलोमीटर का सफ़र है, ठीक है, और उसमें भी आपको लग जाएंगे कोई 7.5-8 घंटे, ठीक है। तो मदीना के आपके पास हो गए मदीना जाने के लिए आपके पास हो गए 8 ऑप्शंस। अब आप चुन सकते हो कौन सा 8 ऑप्शंस आपने चुनना है। लेट्स से अगर आप कहते हो आपको मदीना की डायरेक्ट फ्लाइट महंगी मिल रही है, और आपको साथ में यांबू की आपको फ़्लाइट अगर 500 दिरहम या $100-$200 कम आ रही है, तो आप यांबू ले सकते हो और वहाँ से टैक्सी में जा सकते हो जो वेरी चीप होगा, या बस में जा सकते हो। इसी तरह आप ओला की फ़्लाइट ले सकते हो, ओला भी 3 घंटे का सफ़र है, ठीक है। तो ये थी फ़्लाइट्स मदीना के एरिया की। अभी हम चलते हैं मक्का के। मक्का के जो वेस्ट में वाक़ है वो तो जद्दा है, एज़ यू नो लास्ट पार्ट में आपको मैंने बताया, जिसकी मुसाफत 1 घंटा है। वहाँ पे आप हरमैन ट्रेन से भी जा सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप आपको बस या ट्रेन वगैरह जो टैक्सी वगैरह चल रही हो उनसे भी जा सकते हो, ठीक है। ये तो आपके वेस्ट में हो गया, जो कन्वेंशनली लोग ऐसे ही जाते हैं, ठीक है। उसके साथ ईस्ट साइड में ताइफ आता है, ताइफ की फ़्लाइट्स भी चलती हैं, ताइफ भी बहुत चीप होता है एज़ कम्पेयर टू जद्दा। आप ताइफ चले जाओ, ताइफ से आगे इजीली आप मक्का जा सकते हो, ठीक है। एक और सिटी अबहा की भी फ़्लाइट्स चलती हैं, ठीक है, अबहा भी आप जा सकते हो। जो तो जो अबहा का जो सफ़र है वो तकरीबन 650 किलोमीटर के लगभग है, और 8 घंटे लगते हैं उस सफ़र को। वो सफ़र थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट रोड वगैरह से, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 एयरपोर्ट बताए। इसके साथ मक्का जाने के लिए भी रियाद भी यूज़ किया जाता है, जो 850 किलोमीटर है, जो सेम एज़ कम्पेयर टू मदीना का वक्फा बन जाता है, ठीक है। उसके लिए भी आपको 8-9 घंटे चाहिए, और दमाम का भी तकरीबन 1250 किलोमीटर है, जिसके 12 से 13 घंटे बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 5, मदीना के मैंने आपको बताए 8, ठीक है। तो टोटल आपके पास 13 ऑप्शंस हैं। अगर आप ई वीज़ा पे जाते हो, ठीक है, एडवेंचर करना चाहते हो, टूरिज्म करना चाहते हो, तो आपके पास हैं 13 ऑप्शंस। किसी भी एयरपोर्ट पे आप एंट्री लो, वहाँ से आप बाय ट्रेन जाओ, बाय कार जाओ, बाय बस जाओ, सऊदी विज़िट करते जाओ, उमरा भी करो, सऊदी विज़िट भी करो, ठीक है। ये 13 ऑप्शन थी। अगर आपको टिकट एक्सपेंसिव आ रही है, दूसरा एडवांटेज इसका ये, अगर आपको टिकट एक्सपेंसिव आ रही है डायरेक्ट जद्दा की, आप ताइफ ले सकते हो। मदीना की एक्सपेंसिव आ रही है, यांबू ले सकते हो, हेल ले सकते हो, वहाँ से आप लोकल जा सकते हो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में इसने इजाफा किया होगा। आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता कि मदीना जाने के लिए कौन सा एयरपोर्ट यूज़ करें, लोग वही सिटी का करते हैं। तो मक्का जाने के लोग जद्दा यूज़ करते हैं कन्वेंशनली। तो इस वीडियो में मैंने आपसे यही शेयर करना था कि कैसे आप मदीना एंड मक्का को विज़िट कर सकते हो, उसके उनके जो नेबर सिटीज़ हैं उन एयरपोर्ट्स की मदद से, और यकीनन आपको टिकट्स भी चीप मिलेगी, ठीक है, आपका एक्सपोजर भी बढ़ेगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, ठीक है, और आपका एडवेंचर भी हो जाएगा, ठीक है, आप टूर भी कर लोगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए करें। अपना, अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबका ख्याल रखिएगा, और स्पेशली हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।